Okay, Bismillah Rahman Rahim, let's move forward. So yesterday we discussed the functions of the vision. ना आपने कल बात की थी कि भाई फंक्शन वो विजन क्यों होना चाहिए, और मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी थी, कुछ छः फंक्शन मैंने बयान किए थे. तो ये बात तो क्लियर हो गई, विजन होना चाहिए. शहबाज भाई, अब जब विजन आप डिवेलप करेंगे तो आपके विजन के डिवेलपमेंट के प्रोसेस में देर आर सर्टेन एलिमेंट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने होनी चाहिए विजन को डिवेलप करते हुए. वी कॉल देम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विजन. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं विजन के अंदर जो कि हमें अपने सामने निगाह में रखनी चाहिए. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विजन वी कॉल इट अटेनेबिलिटी. एंड हाउ डू वी डिफाइन अटेनेबिलिटी इज, आइए, वॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग यूर विजन विद इन द रिसोर्सेज दैट कैन बी मेड अवेलेबल. अगर जो विजन आप करना चाहते हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल हो जाएं, तो क्या वो विजन हो सकता है? दैट कैन बी मेड अवेलेबल. मैं ये नहीं कह रहा, और सुने मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग यूर विजन इन द रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल. मैं ये नहीं कह रहा, बिकॉज इफ अगर आप कोई विजन डिवेलप सोचते हैं और उस विजन को आप अपनी करंट रिसोर्सेज में रख के देखेंगे साकिब साहब, तो आपको तो ये हमेशा नजर आएगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता. तो जब आपको ये नजर आएगा कि ये हो ही नहीं सकता, तो फिर आप करेंगे क्या? हाँ, तो फिर आपका क्या एक्शन क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट, नथिंग. ये तो मैं कर ही नहीं सकता ना, तो कहीं हम नहीं कर सकते ये. तो मेरा सवाल ये है कि लेकिन अब आप ये देखेंगे अगर मैंने ये करना है काम, तो ये करने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, और अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएं तो क्या हो सकता है काम? तो फिर हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द विजन्स दैट वी थिंक दैट वी इनविजन आर अटेनेबल एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू थिंग्स जो कि उस फ्रेमवर्क से ही बाहर हों. देखिए ये देखें, ये दुनिया जो है ना, जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, हम जिस विजन की बात कर रहे हैं वो हमारी दुनिया में इम्प्लीमेंट होंगे. ये दुनिया जो है इसको अल्लाह ताला ने जोड़ा है असबाब के साथ. आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए रेलिवेंट असबाब आपको इख्तियार करने होते हैं ना. अगर उसके रेलिवेंट असबाब इख्तियार ना किए जाएँ तो क्या वो काम हो सकता है? नहीं हो सकता. जनरल प्रिंसिपल तो यही है दुनिया में. हाँ, वैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतनी बड़ी ताकत है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहें कर सकते हैं. हाँ, अल्लाह ताला तो कर सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला ने जो, अल्लाह ताला की सुन्नत ये नहीं है, अल्लाह का कानून ये नहीं है. ठीक है, मिसाल तौर पर अगर कोई चाहता है कि जी मैं जो है ना मेरी औलाद हो तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, वो कहें शादी तो मैं नहीं करूँगा. सॉरी यार, एक तरीका है. हाँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बात पे कादिर हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो बगैर बाप के ही पैदा कर सकते हैं. अल्लाह की कुदरत है ना, आप चैलेंज नहीं कर सकते अल्लाह को. बट जनरली स्पीकिंग देयर आर सर्टेन रूल्स यू नो विद विच द वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड. एज फार एज यू आर विद इन दैट फ्रेमवर्क जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने डिज़ाइन किया है, और आप अज़ाब इख्तियार करते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं. तो अगर बिगर पिक्चर आपके सामने है तो अब हमें शायद देखना ये होगा कि अच्छा वहाँ तक जाने के लिए वॉट आर द रिसोर्सेज दैट शुड बी मेड अवेलेबल. वन, एंड इफ दीज आर द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर, देन हाउ टू प्लान दोज रिसोर्सेज. प्लान कैसे करूँगा? जैसे मिसाल देता हूँ, मैं अक्सर वर्कशॉप में, हमारे टाइम की फैमिली में ये एक प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट है, अक्सर लोग आप में से वाकिफ भी हैं. आज से को तकरीबन 10 साल पहले 2003 में एक साहब आए और कहने लगे कि यार वो आप लोग बात करते हो विजन की, तो मेरा एक विजन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके विजनिंग के प्रोसेस में हेल्प करें. मेरा विजन ये है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जो कि 100% फ्री हो फॉर एवरीबडी, जो कि आ खान हॉस्पिटल से बड़ा हो, जो कि
इसकी सर्विसेज की क्वालिटी जो है ना वो आखन हॉस्पिटल जैसी हो, है जी, लेकिन वो हो 100% फ्री। 2003 ग्यारह साल, दस साल पहले तकरीबन। अच्छा, जब वो आए हैं, यानी जब वो ये बात कर रहे हैं, अपने विजन को शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ ना, विजन ये होता है ना, दिस पिक्चर ऑफ द फ्यूचर यू वांट टू सी, दिस इज व्हाट ही वांटेड टू सी एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अब इस विजन को देखें और उस शख्स की करंट रिसोर्सेज को देखें एट दैट पॉइंट इन टाइम, कोई मैच ही नहीं है। तो एट दैट टाइम डॉक्टर साहब जो है वो सिविल हॉस्पिटल के कार्डिक सर्जरी वार्ड के हेड थे। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सर्जन है, जो सर्जन होता है वो ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है इन द गवर्नमेंट ग्रेडिंग। तो आपके ख्याल में 10 साल पहले एक ग्रेड 20 का ऑफिसर है, एक सर्जन है, उसकी क्या सैलरी होगी, क्या मतलब उसकी इनकम होगी, क्या उसके पास रिसोर्सेज होंगी? 30,000 रुपीज़ एग्जैक्टली। तो आप कहेंगे कि यार एक आदमी है यार, ही इज हैविंग 30,000 रुपीज़ पर मंथ, इज इन फैक्ट हार्डली मैनेजिंग हिज ओन फैमिली, ड्राइविंग यू नो एन ओल्ड कार, एंड इज टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ हॉस्पिटल दैट विल बी ग्रेटर बिगर देन आकान एंड यू नो इट्स बी फ्री। अब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, पागल। खैर, सो दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन। देन व्हाट हैपेंड, देन वी स्टार्टेड डूइंग द कंसल्टिंग प्रोसेस, द विजनिंग प्रोसेस। The time lenders, at time lenders, what our specialization is to help individuals and organizations to develop visions, long-term, powerful, worthy visions. और हर प्रोसेस उनके साथ हुआ जिसमें वो थे, हमारी टीम, हम थे, और उनके कुछ 3-4-5 लोग और थे जो उनके साथ इस प्रोजेक्ट को करना चाह रहे थे, उनके कुछ दोस्त थे। प्रोसेस हुआ, किसी ने कहा कि मैंने लिखा नहीं है अपना विजन, तो हमने लिखा, लिखे पहले तो लेट्स डेवलप इट, लेट्स राइट इट डाउन, तब एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा गया तो एक स्टेटमेंट सी आ गई कि भाई हम ये करना चाहते हैं। तो पहले स्टेज पर सलमान भाई ने ये कहा कि डॉक्टर साहब एक काम करो, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब की। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब जो है ना वो डॉक्टर थे। हमने उनसे ये कहा कि आप जो है वो दिस गाय, इस विजन को जो आप करना चाहते हैं, यू जस्ट गो आउट एंड शेयर विद पीपल एंड लेट्स सी व्हाट पीपल यू नो हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू योर विजन। हैवी मोर साहब, डॉक्टर साहब को हमने भेज दिया, कहना चाहिए शेयरिंग करें इसकी, एंड ही हैड दैट फियर, यार लोग ये कहेंगे, लोगों के भाई करें ना यार, जाएं तो सही। तो ही स्टार्टेड शेयरिंग दैट विजन विद विद इन हिज ओन सर्कल ऑफ डॉक्टर्स एंड सम बिजनेस पीपल जिनको वो जानते थे, जिनसे उनका ताल्लुक था, कुछ लोगों ने शेयरिंग की। तो डॉक्टर साहब अपना ये विजन लोगों को बताते होंगे, तो लोग क्या कहते होंगे उनको, लोग कहते थे कि आर यू क्रेजी, आप पागल हो गए, दिमाग खराब हो, कैसी यार पागल, कैसी बातें कर रहे हैं आप कहेंगे हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, वो फ्री होगा, वो इतना बड़ा आखन से बड़ा होगा, भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहीं नहीं सकते आप, तो पाकिस्तान का नाम सुनते हमें कुछ हो जाता है, पाकिस्तान में नहीं क्या होता है, और वो कराची में तो हो ही नहीं सकता। चलो जब आपका फंड आएगा, पर्ची आ जाएगी, तो ये क्या नहीं हो सकता, सब फॉरगेट अबाउट इट। तो लोगों ने उनको कहा कि नहीं हो सकता, आपका दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, ऐसी, यानी कि उनको जो है वो अक्सर रिस्पॉन्सेज ऐसे मिले कि भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हाँ यार होना चाहिए, बाकी पूरा हाल है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर का बुरा हाल है, ठीक है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते यू नो दे सफ़र इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप चले जाएँ क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग गए हैं कभी, डॉक्टर साहब अभी जो है ना वो तकलीफ से सूरत हाल होती है ना, डॉक्टर मान साहब मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई प्रॉपर जो सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर चीज़ें नहीं हो रही, अजीब गरीब एक माहौल होता है, तो कम बीमार होगा ज़्यादा बीमार हो जाए हॉस्पिटल जाके, तो ये तो नहीं हो सकता यार। कुछ लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए और वाकई करना चाहिए, एंड वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, वी लाइक टू डू इट। तो शायद पहले
एक साहब थे, कोई बिजनेसमैन है शहर के, उन्होंने बात सुनी, उनका विजन को सुना समझा, बड़े इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा हाँ यार करना तो चाहिए, कुछ तो हम पे बैक करें यार सोसाइटी को, इतना हमने लिया है। तो वो अंदर गए और वो अंदर से वापस आए कमरे अपने घर से, डॉक्टर साहब को उन्होंने चेक दे दिया कुछ 10 मिलियन रुपीज़ का चेक। उन्होंने कहा ये मेरी तरह पहला कंट्रीब्यूशन है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई अभी तो ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, हम जस्ट शेयरिंग द आइडिया है। नहीं नहीं मुझे उन्होंने ब्लैंक, मैं अभी 3 दिन पहले बिल्कुल किससे दिया, उन्होंने चले 10 करोड़ का होगा, आई फॉरगॉट अबाउट इट, नहीं है भाई। एंड देन यू नो एंड दिस हाउ द कंट्रीब्यूशन स्टार्टेड कमिंग इन, द पीपल हु बिलीव्ड इन व्हाट ही वांटेड टू डू, दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। और जो है वो के लोग मिलते गए, कारवां बनता गया कि मिसदाक बात चलना शुरू हुई। 2003-04 में ये बात हुई थी, 2007 में प्रोजेक्ट, बल्कि उससे पहले एक और प्रोजेक्ट था कहीं कराची में, प्रोजेक्ट होता था इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल, याद है भी, वो भी एक हॉस्पिटल था जो कि किसी विजन के साथ बनाया गया था, लेकिन समहाउ जो ग्रुप जो उसको लेकर चल रहा था प्रोजेक्ट को, दे हैड सम कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर रीजंस। अब उसमें उस ग्रुप में कुछ लोग थे जो टैलेंटर्स को जानते थे, डॉक्टर बारी साहब हमें जानते थे, और वो मीटिंग हो गई। और मीटिंग के बाद जो है वो जनाब अली, वो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ शहर में, यू नो आई एम लुकिंग फॉर दी लैंड। उन्होंने कहा कि आप ज़मीन ले लें, हमसे ज़मीन आ गई, फंडिंग आनी शुरू हो गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और 2007 से क्या हुआ, द प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड पे आना शुरू हो गया। 2007 प्रोजेक्ट शुरू हुआ विद ओनली 30-40 बेड्स। अच्छा, इन्होंने ये जो फाउंडेशन हॉस्पिटल की थी इसको इन्होंने एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं किया, बिल्डिंग को पूरा रिनोवेट किया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी बनी हुई ये उस विजन के अंदर वो नहीं हो रही थी, नहीं फिट नहीं हो रही थी, जो हाँ जो कहना जो करना चाह रहे थे ना डॉक्टर साहब, उसमें ये बिल्डिंग फिट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इसका चक्का ऐसा डिमोलिश करके दोबारा से बिल्ड करवाया अकॉर्डिंग टू द विजन दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट। और वो काम शुरू हुआ और चलते चलते आज बात यहाँ तक पहुँची है ना। अब ये 25-30 बेड, 40 बेड थे, अब 5 फ्लोर हो गए, लैब बन गई, कोई तकरीबन जो ना वो 150 के करीब बैठ हो गए हैं, एंड इट्स ग्रोइंग 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 ग्रोइंग, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स गोइंग टू बी 1500 बेड हॉस्पिटल। उससे पहले हो जाएगा, मतलब मैं तो बता रहा हूँ 10 साल का जो इंटरमीडिएट प्लान है वो ये कह रहा है, वो तो 10 साल में ना वो 8 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, वो 4 साल में हो जाए यार। हाँ मैंने तो अब तक यही देखा है कि वो सोचते हैं 5 साल में करूँगा, होता 2 साल में, वो सोचते हैं 10 साल में करूँगा, 5 साल में हो जाता है ना। हाँ जितने विजनिंग के प्रोजेक्ट्स में के अंदर हम इन्वॉल्व रहे, मैंने ये देखा है कि जो हाँ एक बात ये है कि तो कुछ लोग प्रोजेक्ट फेल भी हुए, लेकिन द पीपल हु आर रियली फर्म ऑन देयर ग्राउंड कि नहीं यार ये काम करना है, और उनकी यू नो सिंसेरिटी में अखलास भी होता है। मैंने ये देखा है कि जो रेहान बात कर रहे थे कि भाई आप अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से आपको मदद आना शुरू हो जाती है, और ऐसी जगहों से आती है आप गुमान ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। वहाँ शुरू हो जाती है, वो होना शुरू हो गया, और आज जो है ना वो बात यहाँ तक तो पहुँच गई ना। वो सारे लोग जो उस वक्त कहते थे आज से 10 साल पहले कि ये तो यू आर क्रेजी, यू नो यू आर मैड, आप ये कर नहीं सकते, आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आज वो सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तब वो कॉन्ट्रीब्यूट कहाँ से, वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि दुनिया भर के लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी कंट्रीब्यूट करती है, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जी हार्वर्ड बिजनेस मेडिकल स्कूल, वो अपने रिसर्चर भेजते हैं उस पर, केस स्टडी करते हैं और वो उस पर रिसर्च करते हैं हॉस्पिटल पे, और वो केस स्टडी लिखते हैं 2012 में, ये 1.5 साल पहले की बात,
तो 2012 में वो केस स्टडी लिखी गई और वो हार्वर्ड में बच्चों को पढ़ाई जाती है। है जी, तो भाई दुनिया में हम ये कहते हैं एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है हमारे पास जो दुनिया में दुनिया को इंस्पायर कर रहा है यार, एक तो है ना, इतनी भी क्या नाउमीदी है, इतनी भी क्या नाउमीदी है पाकिस्तान में। तो अगर डॉक्टर साहब कैन डू इट, वी कैन डू इट, बट वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, कंप्लीट फ्री। प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, मैं तो कह रहा हूँ प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, दे नॉट वन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं ना। हाँ, फ्री फॉर द पेशेंट्स, बट ऑफ कोर्स समबडी इज स्पेंडिंग, समबडी इज कंट्रीब्यूटिंग, somebody इज बिहाइंड, सम पीपल आर बिहाइंड, नॉट समबडी, देयर आर नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड द प्रोजेक्ट ना, जो कि उस विजन से एग्री करते 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 इतना बड़ा ग्रुप बन गया। खुशी हुई ये जान के कई एस सी, कौन भाई के एस सी कौन था, हाँ ओके, तो जाने के एस सी ने जो है ना इंडस हॉस्पिटल को जो है ना वो फ्री कर दी बिजली। चलो आई एम वेरी हैप्पी, अब मेरे घर में बिजली जाती है, मैं बिजली जाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो मैं अपनी वाइफ से और बच्चों से कहता हूँ कि कोई बात नहीं यार, दो घंटे बिजली चलेगी ना, लेकिन यार इंडस हॉस्पिटल में 24/7 बिजली अवेलेबल है और उसका बिल नहीं आ रहा और बिजली नहीं जाती है, हैं तो हम ये समझते हैं कि यार ये दो घंटे की हमारी बिजली चली गई है, ये शायद वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में किसी को मिल गई होगी, किसी की सर्जरी हो गई होगी, कोई बेचारा सेहतियाब हो गया घर चला जाएगा, कोई पैरों पे खड़ा हो जाएगा, लेट्स थिंक दिस वे, तो आपको वो एडवर्सिटी नहीं लगेगी, है ना, टेक इट एज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सब। चलो सब इंडस हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल को LRBT को भी कर दिया मेरा ख्याल है, LRBT को भी उन्होंने फ्री कर दिया ना, SIUT को भी किया शायद, नहीं मतलब मेरा 2 या 3 हॉस्पिटल्स को उन्होंने फ्री कर, चलो इसी हवाले से जो हमारी सारी स्कूल से पढ़ा हूँ उनके फाउंडर्स ने भी हमारे साथ एक दफ़ा स्टोरी शेयर की थी उनकी, तो उनका भी यही था कि 15 साल पहले 20 साल पहले बनाए नसारी, तो शाहिद अब्दुल्ला जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं वो बता रहे थे कि हमारे पास पैसा कुछ नहीं था और हम जाके बस हमें एक आर्ट स्कूल बनाना था, और वो इस तरह होता था कि अपने किसी दोस्त के ऑफिस में गए, ये टेबल क्या करिए यहाँ पे, अच्छा चलो इसको इंडस हॉल भेज दो, तो इस तरह करके वो एक घर से एक कमरे से शुरू हुआ था और आज 20 साल के बाद वो मोस्ट प्रेस्टीजियस आर्ट स्कूल ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो विजन है वो शुरू उसी तरह होते हैं कि कागज़ के ऊपर या दिमाग के अंदर, वो फिर आगे चल के इतने बड़े होते हैं। हाँ लेकिन वो बशर्त ये कि वो सिर्फ आपके दिमाग या कागज़ पे ही ना रह जाएं, उसको कागज़ से और दिमाग से बाहर निकाल के ग्राउंड पे भी लाएं। हाँ तो शेयरिंग किए बगैर वी कैन डू, बिकॉज दुनिया में कोई भी विजन छोटा या बड़ा आप अकेले नहीं कर सकते भाई, ये अकेले नहीं हो सकता काम, आपको लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो, चाहे वो TCF हो, चाहे वो इंडस वैली हो, चाहे वो यू नो शौकत खानम हो, चाहे वो जो ना राशिदाबाद का प्रोजेक्ट हो, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, यू टू हैव पीपल यू नो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट विजन। हाँ आप जब विजन को डेवलप करते हैं कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, ये तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ देम, दैट्स वंडरफुल, दैट्स नो प्रॉब्लम विद दैट। एक बात कहना चाह रहा था कि आई डोंट नो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लाइव, मतलब बात की है उनसे, आई हैड द प्रिविलेज रियली to interview him for 1.5 hours last week, और मैं इतना मैंने बहुत बड़े बड़े उलमा और मशाइख से मिला हूँ, मगर उनका जो तकवा और जो तवक्कुल उनका था ना, अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा कि वो बोलते थे कि मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, जैसे आप लोग अभी मेरे सामने बैठे हैं। हाँ और विजनरी बंदे की ये भी क्वालिटीज़ होती हैं कि उसका ताल्लुक भी कहीं और होता है और उसके इखलास भी ऐसे, इतने हम्बल बंदे हैं
कि उनके साथ आप ज़मीन पे बैठ, वो ज़मीन पे बैठ जाएंगे आपके साथ। और वो हमें लिफ्ट में बेचारे लेके जा रहे हैं, हमने कहा सर आप क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद कर देंगे, वो चाय खुद पेश कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा हम्बलनेस। और वो मैंने कहा कि एक विजनरी लीडर की भी एक हो सकती है क्वालिटीज़ कि जो अपने विजन को साथ साथ लेके और भी एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाती हैं उसमें। वो तो इंसान है, तो हमें चूंकि जो इंसान होता है ना, इंसान सही मानों में हमें वो अजीब सा लगता है। फिर ये कैसा यार, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिकम रियली अजीब नाउ। तो मेरे कहने का साथ ये मैं आप बात करूँ अटेनेबिलिटी की, सर आप, हाँ अब लोग कन्फ्यूज किस चीज़ में होते हैं, एक विजन है वो डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम डिफिकल्टी को और पॉसिबिलिटी को कन्फ्यूज कर देते हैं। तो समटाइम्स वी कोई विजन होता है, हम कहना शुरू कर देते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। प्लीज डू नॉट कन्फ्यूज इम्पॉसिबिलिटी विद डिफिकल्टी। हो सकता है कि एक विजन डिफिकल्ट हो नहीं पॉसिबल हो, लेकिन जब आप किसी चीज से बताने सोचना शुरू करते हैं ये इम्पॉसिबल है, तो माइंडसेट ये बनता है कि ये नहीं किया जा सकता है, और किसी चीज के मुतालिक आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि ये नहीं हो सकता है, तो फिर आप सारी जिंदगी जो है वो इसी कहते ना कि जंजीर से बंधे हुए गुजार देते हैं जिंदगी कि ये नहीं हो सकता। तो ये वो जो चेन होती है ना वो यहाँ बंधी हुई होती है। विजन जो है वो होता ही यही है कि करंटली व्हिच इज नॉट पॉसिबल, उसको ही करें होता है जिसको हमें पॉसिबल करना होता है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं, कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़ा काम जिंदगी में करना चाहते हैं यू हैव टू बी अनरियलिस्टिक, डोंट थिंक इन द रियलिस्टिक लिमिट्स, मेक इट अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक यू कैन नॉट गो हैदराबाद तक ही पहुंचेंगे, फिर आप पंजाब, मतलब खंजराब में जा ही नहीं सकता है सर, क्योंकि खंजराब तो अनरियलिस्टिक है। तो चूंकि ये अनरियलिस्टिक था फॉर मैनी पीपल, बट उनका एक विजन था, तो वन रियलिस्टिक विजन आज रियलिस्टिक हो गया। पर डॉक्टर्स तो पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रोड्यूस किए होंगे पिछले 50 सालों में 65 सालों में, ये होंगे ना, क्या ख्याल है? तो ये भी तो डॉक्टर ही है ना, ये भी तो डॉ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट है ना यार। व्हाट डिफरेंशिएट अब्दुल बारी खान विद रेस्ट ऑफ द डॉक्टर, द मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर थिंकिंग भाई, डॉक्टर बनना ही है, मतलब आपने डॉक्टर बनना किसी ने सपोज करें, तो मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर बनना ही है तो फिर अब्दुल बारी खान साहब की तरह क्यों नहीं सोचते? अगर आर्किटेक्ट बनना ही है तो शायद अब्दुल्ला की तरह सोचो, है जी। अगर जो है वो आपने मिसाल के तौर पे जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना ही है, बिजनेस करना ही है, तो फिर आप जो है वो किसी टॉप बिजनेसमैन की तरह क्यों नहीं सोचते? तो आप जैक वेल्च की तरह या जो है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ किसी और का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीव जॉब की तरह क्यों नहीं सोचते? अगर आप, अगर हम भी कहते हैं कि हमें अपनी कौम को पाँव पे खड़ा करना है, तो फिर हम उन कौमों की तरह क्यों नहीं सोचते जो अपनी कौमों को पाँव पे खड़ा करने के लिए सोचते थे 100 साल पहले, जिनकी कौमें आज खड़ी हुई हैं, जिनकी कौमें खड़ी हुई हैं ना, तो ये सब तो पैदाइश से तो खड़ी हुई ना भाई। तो किसी ने 200 साल पहले, किसी ने 300 साल पहले, किसी ने 500 साल पहले, किसी ने 100 साल पहले कुछ सोचा था ना, तो हम उस तरह क्यों नहीं सोचते? अगर यूनिवर्सिटी बनानी ही है, अगर यूनिवर्सिटी बनानी ही है तो फिर हार्वर्ड की तरह क्यों नहीं, मतलब हार्वर्ड को क्यों नहीं कम्पीट करते हैं? मतलब IBO लम से कौन सा कॉम्पिटिशन है यार, वॉज दैट? हम ये क्यों नहीं कहते कि यार हमारे पास जो है ना वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, वॉट अबाउट दैट? मतलब बच्चे जो है ना वो मास्टर्स करने के लिए हार्वर्ड क्यों जाते हैं? तो दुनिया जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी से बाहर लाइन चुनी लगाती IBA में एडमिशन लेने के लिए, क्यों दुनिया में बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स CED बनाता हो, प्रोड्यूस करता हो, व्हाट अबाउट दैट? क्या बिजनेस सीखना ना, तो पाकिस्तान में कराची में एक है, कराची यूनिवर्सिटी के पिछवाड़े में,
वहाँ जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में सबसे बड़े भी होगा तो क्या हो गया, और आगे चले ना, अभी तो आगे भी है, दुनिया बड़ी भी है। हमारे उस्ताद एक एग्जांपल देते हैं वेरा जाती थी शेयर करें कि जब भी अपना विजन बनाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें और वो कहें कि अच्छा गुड कर लो, तो उससे बड़ा करें, फिर कहें अच्छा कर लो तो उससे भी बड़ा करें, और कहें पागल हो गए हो तो बस यही सही है, तो वहाँ पर फंस जाओ। हाँ, वहीं पागल हो गए। ये क्योंकि अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको लोग पागल नहीं कह रहे ना अभी तक, अगर अभी तक आपको पागल नहीं कहा गया है, ये मतलब ये कि आपको बहुत बहुत वाली चीज़ करनी है। सोचने मुझे पागल क्यों नहीं कहा जा रहा यार, क्यों क्यों नहीं कह रहे कि लोग ये ना क्रेजी। आप स्टेज पर तो आए, आए तो सही। वो देखा आपने चिड़ियाघर में कभी आप गए हैं, जू कभी जाएँ, आपने देखा होगा वहाँ पर जो है ना वो एक हाथी होता है जो बच्चों को सैर कराता है ना। अब तो एक और आ गया ना, मैंने नया वाला तो नहीं देखा, पुराना वाला तो क्या तो इंतकाल हो गया, फिर सुना नया हाथी ले आए हैं। हाँ तो उसे कराते हैं। अच्छा आप देखिए वो शाम को क्या होता है कि जब वो अपना वो जू का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसका जो वो होता है महावत, महावत कहते हैं ना उसको चलाने वाले को, वो उसको ले जाता है और जो हाथी का जो एरिया है जहाँ पर वो हाथी को रखते हैं वहाँ वो ले जाता है। एक आप देखा चेन होती है और चेन जो है ना खूंटे से बंधी हुई होती है और वो चेन उसके पाँव में बांधी जाती है ना, और हाथी बेचारा उस चेन के साथ जो है ना वो सारी जिंदगी गुजार देता है और सारी जिंदगी गुजार के बेचारा मर भी गया पिछला वाला। अगर आपका क्या ख्याल है अगर हाथी थोड़ा सा दम लगा दे तो चेन छूट सकती है, छूट सकती है, लेकिन हाथी उस चेन को नहीं तोड़ता, इसलिए कि ये चेन उस वक्त बांधी गई थी जब ये बच्चा था, हाथी का बच्चा था, उस वक्त इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो चेन तोड़ सकता था, उसने उस वक्त उस चेन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो बेचारा उस चेन को तोड़ ना पाया, और कुछ कोशिशों में करने के बाद उस हाथी का ये माइंडसेट बन गया, यानी ये पॉइंट डेवलप हो गया कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। आज वो हाथी बड़ा हो चुका, उस वक्त ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, इसलिए कि उसके जहन में पोनी बैठा हुआ है बचपन से कि मैं ये नहीं कर सकता। पोनी भी बड़ा हो गया ना साथ उसके, है पोनी भी साथ बड़ा होता चला गया, वो पोनी भी उसके इतना बड़ा हो गया कि नहीं मैं नहीं कर ही नहीं सकता ये, और वो उसके ऊपर बेचारा उस जंजीर के ऊपर को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ के सारी जिंदगी गुजारता है और जो है ना वो बच्चों को शायर कराते कराते जिंदगी चला जाता है। तो हमारे पास भी कुछ ऐसी चेनें हैं जो बंधी हुई हैं, हमारी सोचें जो है ना वो उस तरह से लिमिट हुई हुई हैं। शेर है कहते हैं बीड़ियां पाँव की तो एक आन में खुल जाएंगी, लेकिन बीड़ियां पाँव की तो एक आन में खुल जाएंगी लेकिन असल दुश्मन तो मेरी हाथ की जंजीरें हैं। उम्र भर मुझे जिनकी असीरी में रहना है, उम्र भर मुझे जिनकी असीरी में रहना है और कुछ नहीं बस मेरे खदशात की जंजीरें हैं, और खींचे चले जाते हैं मुझे अकारिब मेरे, खींचे चले जाते हैं मुझे अकारिब मेरे, मेरी गर्दन में तो रिवायात की जंजीरें हैं। हम जो ना रिवायात की जंजीरों में बंधे हुए हैं, एंड वी आर जस्ट स्पेंडिंग आवर लाइफ विद दोस चेन्स, जबकि वो चेन थोड़ी जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अक्सर लोग नहीं तोड़ते क्योंकि हमारा साथ साथ वो पोनी बड़ा हो गया है बचपन से, वो पोनी बड़ा हो चुका, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम तो कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में तो कुछ कर नहीं सकते आप, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हम पाकिस्तान हम कुछ कुछ करने के खाते नहीं, बस तुम सिर्फ एक काम करो, बस तुम पढ़ाई करो और तुम जॉब करो और सारी ज़िंदगी सुबह जाओ शाम को, सुबह जाओ शाम को, वीकेंड पर सो 12-1 बजे तक, फिर उठो फिर मंडे को मुंह लटकाओ, फिर ऑफिस चले जाओ, फिर आओ आओ जाओ, फिर तुम रिटायर हो जाओ, फिर जो है ना बस तुम जो है ना वो अल्लाह अल्लाह करो, फिर तुम जो है ना वो डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर ज़्यादा हॉस्पिटल ICU सखी है सर। नहीं तो मोहम्मद शाह में तो मिली जाएगी, उसे आप फिक्र नहीं करें, जिन्होंने आपको बजाना होगा ना वो जगह ढूंढ के निकाल लेंगे, ये टेंशन ना लें आप, उनको जगह मिल जाएगी, वो आपको ज़्यादा रखेंगे नहीं,
है ना, हमारे जो भी होंगे ना बच्चे बच्चे भाई वो रखेंगे नहीं, बोलेंगे जल्दी जल्दी भाई जितनी जल्दी हो सके इनको पहुँचाओ भाई, जगह नहीं मिली इधर, तुम उधर वाले में देखो, तुम अजीबाबाद में देखो, तुम उधर देखो ईसा नगरी वाले में देखो, कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी यार, इनको पहुँचाओ भाई। हाँ डोंट वरी, वरना पैसे 2000 में ज़्यादा मिल जाएगी, तो पुरानी खबर खोद के तुमको डालो, वो फिट हो जाएंगे आप, है ना। कोई इतने लोग मर रहे हैं, कोई घर में नहीं रखा हुआ, तो अब दफन हो जाते जाके। बट वो दफन होने से पहले हमने किया क्या है, सवाल ये। तो सर अटेनेबिलिटी जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। हवाले से फेसबुक के ऊपर भी एक देखी थी तस्वीर के, एक घोड़ा की रस्सी एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बंधी होती है और वो घोड़ा हिल रहा होता है। हाँ, क्योंकि वो उसको लगता है कि जब भी गले में रस्सी है और वो कहीं से बंधी हुई है तो उस जगह से हिला जा सकता नहीं, वो प्लास्टिक की कुर्सी है उसको वो अपने साथ ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं।